इस वक्त हम पीडीपी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है और कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही इलेक्शन का बिगल बजा और हमने देखा कई सारे लीडर्स की एंट्री और एग्जिट जो है वो पार्टीज के अंदर देखने को मिल रही है और इस वक्त पीडीपी को एक बड़ा बूस्ट मिला है क्योंकि राजौरी से एक्स एमएलए जो इससे पहले भी पीडीपी का ही हिस्सा थे लेकिन उसके कुछ हालातों की वजह से या कुछ चीजों की वजह से वो पीडीपी को खैराबाद कर चुके थे और आज जबकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, नोटिफिकेशन भी पहले फेज की आ चुकी है और आज महबूबा मुफ्ती की प्रेजेंस में एक्स एमएलए ने घर वापसी कर ली और फिर से पीडीपी का दामन थाम लिया। और क्या कुछ कहा उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने इनकी ज्वाइनिंग पे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सॉरी कंवर साहब का इस्तेमाल करते हैं पार्टी में, कुछ देर के लिए अलग हो गए थे, मुझे खुशी आज दोबारा वापस आ गए हैं और इनका अपना लोगों में अपना एक असल रसूख है। इस वक्त हमारी जमात जो जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है, डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सब कुछ मुश्किल हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज मजबूत बन जाती है, यहाँ बात करने की जरूरत है, मुश्किल हैं। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कई वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है मगर इज्जत से अमन जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चले, तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे और इंशाल्लाह मेरी तरफ से इनको पूरी जो है नेक ख्वाहिशात है कि ये आगे चले और जमात को भी कामयाब करें और खुद भी कामयाब हो जाए। बहुत बहुत